हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको महाभारत की फेमस कहानी कथा सुनाने जा रही हूँ। ये कथा वैसे तो सभी लोगों ने पढ़ी हुई है, सभी लोगों को पता है, लेकिन क्लास 7 में महाभारत की किताब आपको हिंदी में सिलेबस में पढ़नी है। तो पढ़ने के लिए इसमें 40 चैप्टर्स हैं। इस सभी चैप्टर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक का भी लिंक अगर आपसे छूट गया तो आप उत्तर को नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कहानी को अच्छे से समझें। तो मैं आपको ये कहानी ऐसे सुनाऊंगी कि आपको साथ के साथ पूरी महाभारत याद हो जाएगी। इसके साथ ही मैं हर चैप्टर के बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो इस चैप्टर में से हर चैप्टर में से पूछे जाएंगे। 5 चैप्टर्स के आपको इसका वॉल्यूम मिलेगा। अलग अलग वॉल्यूम से आप अलग अलग 5-5 चैप्टर्स करके इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं महाभारत की कथा। महाभारत व्यास मुनि ने लिखी थी और ये राजा शांतनु के जो जनरेशन थी उसकी एक कहानी है। राजा शांतनु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। एक बार की बात है कि शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे या घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा और उसकी सुंदरता से वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपसे विवाह करना को तैयार हूँ, लेकिन विवाह के बाद कभी भी मैं कुछ भी करूँ आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे या मेरी किसी भी चीज़ पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। गंगा ने ऐसा कहा। शांतनु ने गंगा को पसंद तो कर ही लिया था, इसीलिए वो उसकी बात को मान गए और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। एक एक करके जब उसके पुत्र होते वो गंगा नदी के किनारे जाकर उसे नदी में बहा देती। पहले को बहाया, दूसरे को बहाया, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, फिर 7वें को। ये सब देवव्रत बड़े आराम से देख रहे थे। उन्हें मन ही मन शांतनु दुख से परेशान थे, बहुत दुखी थे, लेकिन कभी उन्होंने गंगा को कुछ नहीं कहा। जब गंगा 8वें बेटे को उसी तरह गंगा नदी के पास ले जा रही थी किनारे पर बहाने के लिए, तो शांतनु ने उसे रोक दिया, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बोला, तुम कैसी माँ हो, कैसी निर्दयी माँ हो जो अपने ही बच्चे को नदी में बहा देती हो? क्या तुम्हारे अंदर ममता नहीं है? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है? ऐसा शांतनु ने गंगा से कहा। फिर क्या था, गंगा मुस्कुराई और राजन से बोली, राजन लगता है आप अपना वचन भूल गए हैं, आपको सिर्फ अपने पुत्र से प्यार है, मुझसे नहीं, और शर्त के अनुसार अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, अब मैं इस बच्चे को भी नहीं फेंकूंगी, इसे ले जाऊंगी, इसे पाल पोस कर बड़ा करके आपको दे दूंगी। और गंगा उस बच्चे को लेकर वहां से चली गई। यही बच्चा बड़ा होकर भीष्म बना। एक दिन की बात है जब गंगा नदी के किनारे फिर से शांतनु देख रहे थे कि एक बालक है और वो गंगा नदी में लगातार तीर चला रहा है और गंगा नदी के वेग को रोक रहा है, उसकी लहरों को रोक रहा है अपने बाण से। वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है ये? जैसे ही वो देवव्रत के पास गए, वो बच्चा देवव्रत था। गंगा वहाँ आ गई, गंगा ने उनका इंट्रोडक्शन कराया कि ये आपका ही बेटा है, आपका और मेरा बेटा देवव्रत है, और इसको शास्त्र ज्ञान शुक्राचार्य ने दिया है, रण कौशल परशुराम ने सिखाया है, यह एक योद्धा भी है और राजनीतिज्ञ भी, और आज मैं अपने बेटे को आपको सौंप कर जाती हूँ, आप इसे ले जाएं।
ऐसा बेटा पाकर तो शांतनु बड़े खुश हुए, जो इतना समझदार, हर गुण में कुशल हो ऐसा बेटा। उन्होंने देवव्रत को राजकुमार बना दिया। इस तरह से 4 वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन यमुना नदी के किनारे, याद रहेंगे रखेंगे आप, यमुना नदी के किनारे, गंगा कहाँ मिली थी? गंगा नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे जब वह घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां खड़ी है, और उस स्त्री सुंदर स्त्री के ऊपर वो फिर से मोहित हो गए। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री ने कहा कि मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पिता केवटराज से अगर आप पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने केवटराज से पूछा और केवटराज ने उनके सामने एक शर्त रख दी। केवटराज ने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं अपनी बेटी की शादी से, लेकिन शर्त ये है कि आपका और मेरी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा, जो पुत्र पैदा होगा, वही राजा बनेगा। आपकी पहली पत्नी का बेटा यानी कि देवव्रत जो है वो राजा नहीं बनेगा। अब क्योंकि शांतनु तो देवव्रत को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, वो राजकुमार था तो राजा तो उसी को बनना था। ये बात वो हाँ नहीं कर पाए, वो मान नहीं पाए और वहां से लौट आए। कई दिनों तक जब शांतनु काफी परेशान रहने लगे तो देवव्रत ने उस कारण का पता लगाया कि क्यों उसके पिता इतने परेशान रहते हैं, क्यों इतने दुखी हैं। तो वो जिस सारथी के साथ गए थे उसी सारथी को बुलाकर उनसे बात की और केवटराज के पास पहुंच गए। केवटराज ने फिर उनको यही बात बताई कि देखो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि शांतनु और सत्यवती का जो पुत्र होगा वही राजा बने, तो मेरी यही शर्त है विवाह की। देवव्रत ने कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर सकते हैं। केवटराज ने कहा, आप बहुत महान हैं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन यदि अगर भविष्य में आपने विवाह कर लिया और आपके बच्चे ने राजा बनने की इच्छा प्रकट की तो क्या होगा? ये बात सुनकर देवव्रत ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली। देखिए, अपना राजपाट छोड़ना ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उन्होंने अपना राजपाट तो छोड़ ही दिया, वचन दे दिया, और दूसरा वचन ये दिया कि आजीवन वो विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचारी रहेंगे। जब उन्होंने ये प्रॉमिस किया केवटराज से, तब केवटराज मान गए और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से कर दिया। इसी के बाद से देवव्रत का नाम भीष्म कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी प्रतिज्ञा की थी। इसी सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को राजा बनाया गया, तो कुछ समय पश्चात किसी कारण से चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका जो थी उससे जो धृतराष्ट्र थे, जो जन्म से ही अंधे थे, वो पैदा हुए, और अंबालिका से पांडु पैदा हुए जो आगे जाकर 5 पांडवों के दादा बने। तो ये भीष्म को भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है मैं आपको बता दूं। भीष्म तो उनको प्रतिज्ञा के कारण, प्रतिज्ञा उन्होंने की थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा, इस प्रतिज्ञा के कारण उनको भीष्म कहा जाता है। और पितामह का मतलब होता है दादाजी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो विचित्र वीर्य के भाई थे, यानी कि पांडवों और कौरवों के दादाजी थे, इसीलिए वे लोग उन्हें पितामह कहते थे। तो आइए देखते हैं पहले पाठ के क्या प्रश्न उत्तर हैं। तो शांतनु के सामने गंगा ने क्या शर्त रखी थी? तो शांतनु के सामने गंगा ने यह शर्त रखी थी कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन विवाह के बाद मैं क्या करती हूँ या क्या मेरे मन में है, आप इसके लिए कोई सवाल नहीं पूछेंगे। शांतनु की बात सुनकर गंगा ने क्या कहा? शांतनु के ने जब उसे रोका कि वह अपने पुत्र को क्यों गंगा नदी में बहाने जा रही है, तो
गंगा ने कहा कि आप अपने जो आपने मुझसे वचन दिया था, आप उस वचन को तोड़ चुके, इसीलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। देवव्रत को उसके पिता ने पहली बार कहाँ देखा था? तो देवव्रत को उसके पिता ने पहली बार गंगा नदी की धारा में धनुष तीर चलाते हुए देखा, जहाँ वो अपने तीरों से नदी की धारा को रोक रहे थे। गंगा ने राजा को देवव्रत के परिचय कैसे दिया? तो गंगा ने राजा को बताया कि यह शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य की तरह और रण कौशल में परशुराम के समान है। यह एक चतुर और समझदार योद्धा भी है। तो इस तरह से उन्होंने परिचय दिया। अगला पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा। तो इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? केवटराज ने शांतनु के सामने यह शर्त रखी थी कि मेरी बेटी और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। देवव्रत किस कारण भीष्म कहलाए? तो देवव्रत दो कारण से भीष्म कहलाए थे। आप इसमें दो पॉइंट्स लिखेंगे। पहला कि देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचार्य जीवन जीने का निर्णय किया, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। तो अपनी इतनी बड़ी इच्छा का उन्होंने त्याग कर दिया, इसीलिए वह भीष्म कहलाए। शांतनु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो शांतनु के बाद सिंहासन पर अंबालिका के जो पुत्र थे चित्रांगद बैठे। चित्रांगद की असमय मृत्यु होने के कारण फिर विचित्रवीर्य बैठे। विचित्रवीर्य की रानियों के नाम क्या थे और उनके पुत्रों के नाम क्या थे? विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबा और अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु।